जब यूपीएससी की बात आती है तो हार्ड वर्क के साथ साथ धैर्य की भी उतनी ही आवश्यकता होती है, क्योंकि यह परीक्षा बेहद अनिश्चित है और इसमें किस्मत किसे सफलता दिलाती है और कौन असफल होता है इसके विषय में शायद ही कोई कल्पना कर पाए। लेकिन कई टॉपर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने असफलताओं के बाद भी आशा नहीं छोड़ी और किस्मत को मात देकर सफलता प्राप्त की। ऐसे ही कुछ कहानी साल 2020 यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाकर दूसरी रैंक प्राप्त करने वाली जागृति अवस्थी की है, जिन्होंने अपनी असफलता से हार नहीं मानी और आखिरकार कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल कर ही ली। आइए जानते हैं साल 2020 यूपीएससी की सेकंड टॉपर जागृति अवस्थी की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करेंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। जागृति अवस्थी मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है। अपनी स्कूली शिक्षा उन्होंने भोपाल से ही प्राप्त की, जिसके बाद जागृति ने साल 2017 में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। बीटेक करने के बाद जागृति मध्य प्रदेश भोपाल के ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में नौकरी करने लगी, जिसके बाद जागृति का मन नौकरी में नहीं लगा तो उन्होंने यूपीएससी करने की ठान ली। जागृति ने अपना पहला अटेम्प्ट नौकरी के साथ ही दिया, लेकिन वह सफलता हासिल नहीं कर पाई। तब जागृति अवस्थी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और पूरे तरीके से खुद को यूपीएससी की तैयारी में समर्पित कर दिया। यूपीएससी के अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए जागृति अवस्थी का कहना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने वालों को सबसे पहले प्रश्न पत्रों को समझना बेहद जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि प्रश्न पत्र किस तरह से पूछे जाते हैं। इसके लिए पिछले सालों के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करें। जागृति अवस्थी कहती है कि उम्मीदवार अभ्यास करते रहें, जिससे उन्हें अपनी कमियों का पता चले और समय रहते उन्हें दूर किया जा सके। जागृति का कहना है कि यूपीएससी में सफलता हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है अभ्यर्थी खुद पर भरोसा करे। खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत के दम पर यदि सही रणनीति के साथ यूपीएससी की तैयारी की जाती है तो इस परीक्षा में सफलता आसानी से हासिल की जा सकती है। आपको बता दें, जागृति के पिता एससी अवस्थी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और उनके भाई सुयश अवस्थी एमबीबीएस के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। जागृति का कहना है कि उनके सफलता में उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। इनके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं था। परिवार में सब उनका हौसला अफजाई करते रहते थे, इसलिए वह अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने परिवार को देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।